हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आंचल ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो जो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को कर दें सब्सक्राइब। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए किसी प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताऊंगी, किसी प्रोडक्ट को लेके नहीं आई हूँ। इनफैक्ट आज मैं आप लोगों को बताऊंगी फेस मसाज कैसे करते हैं और इसको करने से क्या होता है, इसका क्या बेनिफिट है। तो पहले मैं आप लोगों को इसका बेनिफिट बता देती हूँ, बाद में इसको मैं करके दिखाती हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स, फेस मसाज करने से क्या होता है ना कि जो मतलब हमारी स्किन लूज़ पड़ गई होती है उसको भी हेल्प होती है कि वो स्किन हमारी टाइट हो जाती है, प्लस हमारे फेस का ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है और एक स्किन भी ग्लो करती है, हमारी एक अलग सा ग्लो आता है हमारे फेस पे। और साथ में हमें रिंकल्स की प्रॉब्लम है या डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम है हमारे फेस के रिलेटिव, उसमें भी रिलीफ मिलता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है हमारी इस चीज़ से। तो वही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि फेस मसाज जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे फेस के लिए, और जिनको डबल चिन है उनके लिए भी बिल्कुल सही है, मतलब वो भी इसको कर सकते। डबल चिन वाले भी अगर ये मसाज करें तो उससे क्या होगा कि इनकी डबल चिन वो भी दूर हो जाएगी और आपके फेस भी टाइट हो जाएगा और आपकी स्किन टाइट हो जाएगी और एक अच्छा सा ग्लो आएगा आपके फेस पे, नेचुरल ग्लो आएगा आपके फेस पे, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ग्लो भी आएगा हमारे फेस पे, है ना। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसको कैसे करना है। फ्रेंड्स, जब भी आप मतलब फेस मसाज करो तो आप चाहे दिन में करो, चाहे आप नाइट में करो, चाहे आप मॉर्निंग में करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कब टाइम लग रहा है और कब आपको ये चीज़ करनी है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने फेस को क्लीन करना है, अपने हाथों को क्लीन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको कोई भी ऑयल लेना है, नारियल का मतलब कोकोनट ऑयल या जैतून का ऑयल या फिर ये बादाम का ऑयल या एलोवेरा जेल, आपके पास कोई भी आप चीज़ आपके पास अगर अवेलेबल है तो आप वही चीज़ अपने फेस पे अप्लाई करें। तो मेरे पास फिलहाल तो ये बादाम का तेल अवेलेबल है तो मैं इसी को अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। इस तरीके से आपको अपने फेस पे लगाना है ताकि हमें फेस मसाज करने में आसानी हो, ठीक है। आपको लाइक इस तरीके से लगाना है अपने पूरे फेस पे, अपने हाथों में भी अच्छे से लगा लें इस तरीके से। लगाने के बाद आपको अपने फेस पे कुछ इस तरीके से मसाज करनी है ताकि आपके फेस का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़े। कम से कम 5 या 10 मिनट के लिए आपको ये मसाज करनी है, ठीक है। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा आपके फेस का। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने फोरहेड की मसाज करनी है 10 टाइम, ठीक है, इस तरीके से। ये आपको 10 टाइम करनी है फोरहेड की मसाज। और जब भी आप मसाज करो तो अपनी आँखें बंद कर लें ताकि आपको थोड़ा रिलैक्स फील हो, रिलीफ मिले आपको और आपको अच्छा सा महसूस हो। क्योंकि कई बार हमें स्ट्रेस भी होता है तो उसमें भी रिलीफ मिलती है मसाज करने से, ठीक है, इस तरीके से करना है। सेकंड, आपको अपने यहाँ मसाज करनी है आँखों के नीचे, जब क्योंकि हमारे यहाँ डार्क सर्कल होते हैं तो उसमें भी आपको मतलब ये मसाज है वो हेल्प करती है डार्क सर्कल को रिमूव करने में। तो आपको इस तरीके से करनी है। इस तरीके से राउंड राउंड भी करना है आपको कुछ इस तरीके से, ताकि आँखों को मतलब अगर स्वेलिंग है या डार्क सर्कल है उसको भी रिलीफ मिले, वो भी कम हो और स्ट्रेस भी हमारा कम हो, ठीक है। सेकंड, आपको उसके बाद आपको ये सब करने के बाद आपको अपने यहाँ मसाज करनी है ताकि ये चीज़ हमारी टाइट रहे। तो कुछ इस तरीके से आपको मसाज करनी है।
इस तरीके से ऊपर की साइड करनी, ना कि नीचे की साइड करनी, ऊपर की साइड करनी ताकि हमारी स्किन जो वो टाइट रहे और एक अच्छा ग्लो भी आए। ये भी आपको कम से कम 10 से 15 मिनट करनी है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कर लो। पहले 10 मिनट इस तरीके से करो, ठीक है। और ये जो मैंने आपको बताई ये भी आपको 5 से 10 मिनट करनी है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी डबल चिन की, ठीक है, जिनको डबल चिन की प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए आपको कुछ इस तरीके से मसाज करनी है ताकि हमारी जो डबल चिन है वो रिमूव हो जाए जल्दी। डाउन टू अप, ना कि अप टू डाउन, डाउन टू अप इस तरीके से। ये भी आपको 10 से 15 मिनट करनी है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आपको ये सारी मसाज जैसे जैसे मैंने बताया आपको वैसे करनी है, उसके बाद लास्ट में आपको इस तरीके से करनी है ताकि आपका रिलैक्स फील हो। ठीक है, उसके बाद आपके फेस पे कोई भी अगर ऑयल लगा है तो उसको रिमूव कर दे। मैं तो रहने दूंगी अपने फेस पे रिमूव, क्योंकि मेरी स्किन जो बहुत ज़्यादा ड्राई है तो मैं उसके लगे रहने दूंगी। और आपकी स्किन अगर ऑयली है तो आप एलोवेरा जेल जो होता है वो लगा लो तो भी अच्छा है, वो भी आपके फेस के लिए। और उसको रहने दो, उसको रिमूव मत करो। अगर आप ऑयल वगैरह लगा रहे हो तो उसको रिमूव कर दो, ठीक है, और एलोवेरा है तो उसको रहने दो। सो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो जो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को दे सब्सक्राइब। तो मिलती हूँ आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।